वहीं गुजरात की बात कर लेते हैं। गुजरात में भी एक बार फिर बारिश कहर बनकर टूट रही है। अहमदाबाद में भारी बारिश के चलते सड़कें पानी में डूब गई हैं। लोग घुटने घुटने भर पानी में डूबकर जाने को मजबूर हैं। तस्वीरें अहमदाबाद की हैं, जहां भारी बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। बारिश के बाद अहमदाबाद की सड़कें जलमग्न हो गईं, हर तरफ पानी ही पानी नजर आने लगा। इन तस्वीरों को देखिए, ठेले पर सामान बेच रही महिला घुटने भर पानी में डूबकर आ जा रही है। उसके आसपास से गुजर रहा ऑटो का निचला हिस्सा पूरी तरह पानी में डूबा हुआ है। एक और ठेले वाले को देखिए, बारिश की मां से बेबस और लाचार ये शख्स पानी के बीच से अपना ठेला लेकर घर की तरफ निकल दिया। अहमदाबाद के प्रहलाद नगर में सड़क पर पानी जमा होने से सड़क किनारे खड़े ऑटो और गाड़ियां पानी में काफी हद तक डूबी नजर आईं। बड़ी गाड़ियां तो किसी तरह पानी के बीच से निकल गईं, लेकिन स्कूटी सवार लोग फंस गए। पानी भरने की वजह से लोगों की स्कूटी सड़क पर बंद हो गई और लोग उसे पैदल ही लेकर जाने को मजबूर हो गए। इस शख्स को देखिए, ये परिवार के साथ बाजार निकले थे, लेकिन बारिश की ऐसी मार पड़ी कि पैदल चलना भी मुश्किल हो रहा है। स्कूटी बंद होने की वजह से पानी के बीच उसे भी खींचकर ले जाना पड़ रहा है। अहमदाबाद के टाइटेनियम मॉल के बाहर भी पार्किंग एरिया में पानी भर गया, जिससे वहां खड़ी बाइक्स और स्कूटी पानी में डूब गई। प्रहलाद नगर में ऐसा कोई इलाका नहीं बचा जहां पानी ने अपना डेरा न डाल दिया हो। जैसे जैसे शाम होती गई, सड़क पर जाम जैसे हालात बनते गए। राहत की बात यह रही कि बारिश ज्यादा देर नहीं हुई, नहीं तो एक बार फिर अहमदाबाद में जुलाई जैसा मंजर नजर आने लगता। खेड़ा जिले में भी भारी बारिश हो रही है। बारिश की वजह से खेड़ा जिला मुख्यालय में सड़कों पर जगह जगह पानी जमा हो गया। थोड़ी देर की बारिश में गुजरात के अलग अलग शहरों में जिस तरह जल भराव हो रहा है, उससे ड्रेनेज सिस्टम की बदहाली को आसानी से समझा जा सकता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।